वेलकम है सभी दोस्तों का आपका अपने यूट्यूब चैनल NRSW में, क्लास 8 एक्सरसाइज 4B। सरोसमिका ए माइनस बी को होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3AB ए माइनस बी। आइए क्वेश्चन नंबर 4 हम हल करने वाले हैं। निम्नांकित के मान सरोसमिका की सहायता से ज्ञात कीजिए। आइए इसको हम सरोसमिका की हेल्प से सोल्व करेंगे। 98 को हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी को होल क्यूब बनाना है इसको। 100 माइनस 2 लिख सकते हैं कॉल क्यूब। ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3AB ए माइनस बी। तो आइए चल लेते हैं, 0000000 ये हमारा 100 का होल क्यूब हो गया, माइनस का 8 आ गया, माइनस 300 दुनी 600 डायरेक्ट 600 आ गया इसका मल्टीप्लाई, 100 माइनस 2। अब आइए चल लेते हैं हम, 0000000 माइनस 8, 600 की सुमा करी 60,000 हो चुका है। माइनस के माइनस में करेंगे प्लस, 600 की माइनस में करेंगे माइनस 2 में, तो प्लस का हो जाएगा 600 दुनी 1200 हो गया। तो आइए जो प्लस के नंबर उनको अलग ऐड करेंगे, जो माइनस के उनको अलग ऐड करेंगे। तो हम कर लेते हैं 0000000 प्लस की संख्या क्या है, 1200 प्लस ऐड करेंगे 00 2 का 2 1 का 1 001 और माइनस की जो संख्या है ना अलग ऐड कर देते हैं 60,000 और माइनस का 8, तो ये हो गया हमारा 60,008। अब आइए इसमें तो हम सबट्रैक्शन कर लेते हैं, 60,008 हो चुका। अब जीरो में तो ऐड नहीं जाएंगे, 10 होगी, 10 में तो ऐड जाकर 2 बचता है, 9 देखे तो 9 में 0 का 9, 2 1 में तो 0 का जाकर 1 बचा, 1 का 1 आया और 10 में 6 जाकर 4 बचा, 9 रह गए तो 9 का 9 आया। इस क्वेश्चन का सॉल्व जो हुआ 941,192 हुआ, दिस इज माई आंसर। तो आइए इस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल लेते हैं, 9.9 का होल क्यूब सेकेंड सिचुएशन कर लेते हैं। 9.9 का होल क्यूब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 10-0.1 का होल क्यूब। तो इसको जब हम खोलेंगे, एक क्यूब 10 है यहाँ पर 10, एक क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3AB ए माइनस बी। इसको हम हल कर लेते हैं, आगे चल लेते हैं, 10 का जब हल करा घन करा एक 1000 हो गया माइनस, इसको हम जब डायरेक्ट करेंगे मल्टीप्लाई, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई 0.1। जब इसको हम हल करेंगे कितने संख्या पहले पॉइंट है, 3 संख्या पहले पॉइंट है, तो हम 0.001 करेंगे, इसका आंसर क्या आएगा 0.001, क्योंकि मल्टीप्लाई में पॉइंट जुड़ता है। अब आइए हम हल कर लेते हैं, माइनस 3 × 30 30 की जब 0.1 में करेंगे तो ये हो गया हमारा 3 आएगा आंसर, इसका क्या आएगा 3 आएगा, क्योंकि ये तो हम डायरेक्ट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हैं, इसका हल 3 आएगा। आगे चले जाए 10-0.1, अब हम आगे चल लेते हैं 1000-0.001, अब हम चल लेते हैं -10 की 3 की 10 में करेंगे तो -30 हो गया, माइनस के माइनस में करेंगे तो प्लस हो गया, 3 की जब इसमें करेंगे तो मतलब 3 की जब इसमें करेंगे हम 0.0 क्या हो गया हमारा 3 हो गया, क्या हो गया 3 हो गया, तो एक संख्या पहले पॉइंट है हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब आइए जो प्लस की संख्या उन्हें एक अलग ऐड करेंगे, जो माइनस की संख्या उन्हें अलग ऐड करेंगे। प्लस की संख्या हमारी ये है तो प्लस की संख्या को प्लस की संख्या के साथ ऐड करेंगे, 3 मतलब डायरेक्ट हम कर सकते हैं 0, हम कर सकते हैं 0.3 पॉइंट के नीचे पॉइंट, जिसके ऊपर कुछ नहीं तो 1-0 होता है। ये हमने प्लस की कर ली और इधर माइनस की कर लेते हैं, 30 पॉइंट का पॉइंट, इससे पहले 0 लगाएंगे, अब हम कर सकते हैं 0.01 जिसके ऊपर कुछ नहीं होता 0 होता है, इस टाइप से माइनस के माइनस अलग कर लेंगे, ये अलग कर लेंगे, तो ये 3 का 3 पॉइंट का पॉइंट, 0 का 0 0 की 0 0 की 0 1 का 1। अब माइनस कर लेते हैं
वन का वन, जीरो की जीरो, जीरो की जीरो, पॉइंट का पॉइंट, जीरो की जीरो, थ्री का थ्री। अब प्लस की संख्या में तो इसको हम माइनस करते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट, जीरो जीरो वन, जीरो जीरो। अब आइए इधर कर लेते हैं क्या, जीरो थ्री ये नंबर है। अब जो भी बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। जीरो में से वन नहीं जाएंगे, टेन हो गया, टेन में तो वन जाकर नाइन बचा। यार ये कहते नाइन, नाइन में तो नाइन का कुछ नहीं बचा, नाइन में जीरो जाकर नाइन बचा। टू ये कहते टू का टू आया, पॉइंट का पॉइंट आया, नाइन ये कहते नाइन का नाइन, नाइन जीरो की जीरो आएगी। ताई तो हमने यहाँ से ली थी, टेन हो गए तो टेन में थ्री जाके सेवन बचा। अब यहाँ नाइन दे गए थे, नाइन का नाइन आया, तो आंसर क्या आया, नौ सत्तर पॉइंट टू नाइन नाइन, दिस इज माई आंसर। अब आइए हम अगले क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। ये क्वेश्चन सेम इसी तरह होगा, इसको हम कैसे कैसे कर सकते हैं इस समीकरण को बनाने के लिए, इसको हम लिख सकते हैं 600 माइनस टू का होल, तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं। आइए हम अगले क्वेश्चन पर चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव, सरल कीजिए। क्वेश्चन नंबर फाइव, सरल कीजिए। सरल क्या करना है, फर्स्ट सिचुएशन x प्लस सेवन का होल क्यूब माइनस एक्स माइनस सेवन का होल क्यूब। ये सेम इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे, ये भी सेम ऐसे ही है और ये भी ऐसे ही। हम पहले क्वेश्चन को समझा रहे हैं और सब ये सारे क्वेश्चन सेम ऐसे ही हैं। सेकंड आपकी प्रैक्टिस के लिए है, क्योंकि कल हम टेस्ट लेने वाले हैं बच्चों का, ये टेस्ट में आएगा क्वेश्चन। आइए हल, या सरल कह सकते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब है, ए प्लस बी का होल क्यूब, इसका होता है होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ए प्लस बी। तो आइए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ए प्लस बी, ये कर दिया माइनस का माइनस। अब इधर लोग बोलेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी ए माइनस बी, इसको भी कर दिया। अब आइए आगे चल लेते हैं, इसको हल करेंगे, एक्स क्यूब आया प्लस 343 आया प्लस 3x, ये हो गया 21x, क्या हो गया 21x। हम यहाँ x का x प्लस 7 का 7, अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं आगे। एक्स क्यूब माइनस 343 हो गया 7 का होल क्यूब माइनस 3, ये भी वही 21x हुआ। इसको सोल्व कर लेते हैं, x माइनस 7, बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, मतलब ब्रैकेट लगा देते हैं। अब आइए चल लेते हैं आगे, एक्स क्यूब प्लस 343 प्लस 21 की 21x के x में करेंगे तो 21x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 21 की जब 7 में करेंगे 147x हो गया। अब आइए चल लेते हैं, इसको भी सोल्व कर लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 343 21x की जब x में करेंगे तो 21x स्क्वायर हो गया, माइनस के माइनस में करेंगे प्लस तो 147x हो गया। तो आइए आगे सोल्व कर लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस 343 प्लस 21x स्क्वायर प्लस 147x, तो संख्या प्लस, देखो ब्रैकेट से पहले माइनस चिन्ह इनको खोल लेते हैं, ब्रैकेट से पहले यदि माइनस चिन्ह तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये प्लस का एक्स एक्स क्यूब है तो ये माइनस का एक्स क्यूब हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का 343 हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा 21x स्क्वायर, ये प्लस है तो ये माइनस 147x। तो ये देख लेते हैं, ये एक्स क्यूब, एक्स क्यूब प्लस का ये माइनस का कट गया, ये माइनस का 147x है और ये प्लस का ये भी कट गया, तो क्या बचा 343 प्लस का, 343 प्लस का तो क्या हो गया हमारा 686 प्लस 21x स्क्वायर प्लस का 21x स्क्वायर तो 42x स्क्वायर हो गया प्लस का। तो उनको हम सही रूप में राइट कर लेते हैं तो 21x स्क्वायर प्लस 686, ये हमारा आंसर है।